LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। मुझे एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश का CM बना दिया जाए तो मैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा जिनके वजह से हिमाचल प्रदेश भ्रष्ट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के पास सब कुछ है परंतु तो भी हिमाचल प्रदेश भ्रष्ट प्रदेशों में गिना जाता है। इसके मुख्य तीन कारण हैं। पहला कारण, हिमाचल प्रदेश में लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। इसका दूसरा कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें ईमानदारी से काम करने से रोका जाता है। इसका तीसरा कारण यह है कि लोग अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। हिमाचल प्रदेश में छोटे से छोटा PN तथा बड़े से बड़ा IAS अधिकारी भ्रष्ट हो चुका है। ये सभी रिश्वत लेते हैं। सबसे पहले इन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कुछ काबिल बच्चों को पीछे छोड़ दिया जाता है और कुछ ऐसे बच्चों का चयन किया जाता है जिन्होंने रिश्वत दी होती है। इन सभी रिश्वतखोरियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों जिन्होंने मेहनत की होती है उन्हें हमें आगे लाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन भी बहुत मजबूत है। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र जैसे मनाली, कुल्लू, शिमला, मणिकरण, ऐसे क्षेत्रों पर अगर हम पर्यटन का विकास करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और उसमें बढ़ावा होगा। हिमाचल प्रदेश में गंदगी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में कूड़ा उठाने के लिए सख्त कानून बनाएंगे और कुछ व्यक्तियों को इसके लिए नियुक्त करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।